हेलो फ्रेंड्स, हम आज एक फैंसी बैग बनाएंगे। ये एक मेरा पुराना शेरवानी है जिसे मैंने फ्रंट एंड बैक से मैंने एक शादी कवर बना लिया है। ये जस्ट स्लीव्स का पीसेस मेरे पास अवेलेबल है। ये देखिए, लंबा स्लीव था, ये मैंने नीचे का पीस कट कर लिया है जितना जरूरत है। ये 14 इंच का पीस लिया है मैंने। शेप वैसे के वैसे रखा है, कोई शेप चेंज नहीं किया है। स्लीव को जिस तरह से शेप था वैसे ही शेप रखा है। ये मैंने जस्ट 14 इंच के हाइट में पीस लिया है, दो पीस ऐसे निकाल लिए हैं। इसको मैंने अंदर से इस तरह से, चावल की बोरी थी जो कि मैंने कट करके इसके अंदर डाली है, उसी का लाइनिंग था। जस्ट ये दो पीस अलग करके अंदर मैंने चावल की बोरी का कतरन रख के इसको चारों साइड से ये स्टिच कर लिया है मैंने। ये देखिए, अलग से कोई भी लाइनिंग नहीं लिया है, वो शेरवानी का ही जो लाइनिंग था उसी के साथ अटैच किया है। उसी के आस्तीन में से जो पॉकेट निकला, ये नीचे से जितना कपड़ा मिला उसी का मैंने पीस निकाला है। ये अराउंड मैंने देखिए 9 इंच का पीस है जो कि मैंने साइड में फोल्ड कर लिया है, ऊपर से भी मैंने ये फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसे बनाएंगे और इसका ऊपर क्लोजर के लिए दूसरे आस्तीन का, जिसकी इसमें से ही आस्तीन में से जितना पीस निकला उतना ही मैंने लिया है। ऊपर जिपर पैनल के लिए भी मैंने ये 2.5 इंच किया और ये साइड में से ऐसा ये 14-15 इंच का पीस जैसे निकाला है मैंने। जैसे पीस अवेलेबल है आप वैसे निकालिए। सबसे पहले हम लोग ये पॉकेट है जिसको वेलक्रो लगाएंगे। आप वेलक्रो लगा सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं या तो मैग्नेट लगा सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में वेलक्रो लगा रही हूँ। वेलक्रो लगाने के बाद हम इस पीस को अटैच करेंगे। वेलक्रो कहाँ लगाना है डिपेंड करता है आप उसका क्लोजर कितना बड़ा रखने वाले हो। मैं इसका इतना बड़ा क्लोजर रखने वाली हूँ यहां तक के लिए, तो अराउंड यहां पे मैं ऊपर से अराउंड 2.5 इंच नीचे वेलक्रो लगा रही हूं और ऐसे मैं 2 इंच का वेलक्रो कट करूंगी। देखिए मेरे पास ये वेलक्रो का रोल है, ये अराउंड मैं 2 इंच का ही पीस कट कर दूंगी। एक पोर्शन यहां पे, एक पोर्शन टॉप क्लोजर पे रहेगा। जो ये रफ पोर्शन है वो नीचे के हिस्से में लगेगा। 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। इसका सेंटर जो मार्क करके ये सेंटर पे रख के इसको चारों ओर से हम लोग स्टिच करेंगे। ये पॉकेट में जैसे स्ट्रेट नहीं लगाने वाली हूँ, ये साइड में से मैं फोल्ड करने वाली हूँ। तो ये अराउंड 1.5 इंच का पीस मैं कम करने वाली हूँ इसमें से। ऐसे हम लोग काउंट करेंगे दोनों साइड से, 1.5 इंच हम लोग जब इसमें कम कर लेंगे तो एग्जैक्ट 6 इंच का पॉकेट रहेगा हमारे पास। और हाइट में 7 इंच है ये। फ्रंट का जो भी है वो पीस मैंने ले लिया है। ये पॉकेट हम लोग ऊपर से 3 इंच पे फिक्स करेंगे और सेंटर मार्क करके दोनों तरफ से 3-3 इंच, क्योंकि ये हम लोग का बीच का जो पोर्शन है 6 इंच का है, तो 6 इंच पे मार्क करेंगे। सेंटर है, सेंटर से 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ। पॉकेट टेढ़ा ना लगे इसके लिए हम लोग ये पूरा मार्किंग कर लेंगे। और इसकी हाइट जो है 7 इंचेस है, तो यहाँ पे 7 इंच मार्क करेंगे।
और नीचे से भी 3 इंच इस तरह से। हम लोग ये पर्टिकुलर लाइन पे अभी ये पॉकेट लगाएंगे। ऊपर का पोर्शन हम लोग खुला रखेंगे और तीनों साइड से हम लोग ये पॉकेट लगाने वाले हैं। पॉकेट लगाने से पहले ये देखिए, ये पोर्शन, साइड का पोर्शन जो है हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और इस तरफ से ये साइड का पोर्शन, और ये इस तरह से क्लोज होगा। और इसमें ये जो प्लीट्स है नीचे की ओर आने आएगी। ये पॉकेट ये हमने 1.5 इंच पर मार्क कर लिया है यहाँ पे ऊपर से नीचे तक। अब ये जस्ट हम लोग ये पकड़ के इसको दाब सिलाई करेंगे और एज पे करेंगे। देखिए इस तरह से अभी यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्क करके ऐसे फोल्ड करके देखिए इस तरह से हमने जस्ट एज पे स्टिचिंग किया है ये, ताकि ये इस तरह से खड़ा रहे। अभी स्टिचिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने मार्क किया है, हमने ये जो शेप है वो बॉटम को दिया है और ऊपर हमारा स्ट्रेट आएगा, तो ये यहां रख के ऐसे स्टिच करते ही जाएंगे। और ये दोनों तरफ से इस तरह से हमें स्टिच करना है और बॉटम पे स्टिचिंग करेंगे, तब ये इस तरह से फोल्ड करेंगे ये ऐसे ऐसे फोल्ड करके बॉटम में स्टिच करेंगे। और स्टिचिंग करते वक्त हम लोग डबल स्टिचिंग करेंगे ताकि ये खुले नहीं, तो ये अपने आप ये उठा हुआ है, यानी कि 3D पॉकेट जैसे हो जाएगा। देखिए हमारा ये पॉकेट लग गया है। देखिए कैसे ये दिखने में छोटा लेकिन कैपेसिटी ज्यादा हो गई ऐसे लगाने से। अभी आप इसको ऊपर वाला आप या तो स्क्वायर ही क्लोजर लगा सकते हैं या तो छोटा सा क्लोजर लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। लेकिन मैं इसमें से कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं करना चाहती। ये जैसे मुझे आस्तीन का नीचे का हिस्सा मिला है, मैं उसे पूरा का पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और यहाँ पर भी मैं एक पॉकेट बनाऊंगी ताकि आपका मोबाइल वगैरह आसानी से बाहर के बाहर ही आपको मिले। देखिए अभी भी मैंने आस्तीन का कोई भी हिस्सा काटा नहीं है। देखिए ओवरलॉक वैसे के वैसे पड़ा है। अभी मैं इसमें से ऊपर से 1.5 इंच तक का साइज से इसे काट लूंगी। और ये मैंने 7 इंच का जिप लिया है और साइड में मैंने टैब लगाया है। टैब कैसे लगाते हैं ये मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है। ये देखिए इसमें मेरे पास ज्यादा मटेरियल नहीं है, इसके लिए मैंने देखिए थोड़ा सा ये पीछे का हिस्सा पूरी तरह से कवर करने के लिए लगाया है। एक्स्ट्रा जो भी है मैं कट कर दूंगी, ऊपर से 1.5 इंच का कट करके इसको स्ट्रेट कट कर दूंगी। ये जो जिप है इसको मैं वैसे ही रख दूंगी। देखिए इसमें मैंने कोई भी पेल्ट या स्पंज कुछ भी यूज नहीं किया, जैसे कि आस्तीन को जो लाइनिंग थी वैसे के वैसे ही रखी है मैंने। अभी इसको ऐसे रख के स्टिच कर दूंगी और उसके बाद दाब सिलाई लगा दूंगी। जो ये पोर्शन बचा हुआ है जो हमने कट किया है, इसे ऐसे रख के इसके ऊपर भी स्टिच कर देंगे। हमारा ये पॉकेट पूरा हो गया। अभी हमें ये पीछे का क्लोज करना है। उससे पहले हम लोग देखेंगे ये सेंटर को सेंटर लगा के, ये इसे सेंटर अटैच करके, ये ऊपर अटैच करके इसको हम लोग जस्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लेके यहाँ पे 1.5 इंच रख के इसको एक्स्ट्रा कट कर देंगे। और उसके बाद में हम लोग इसका पीछे का क्लोजर बनाने वाले हैं। क्लोजर हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि क्लोजर को पहले हमें वेलक्रो लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसे अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक्स्ट्रा जो पीस है वो कट कर लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पे ये 6 इंच है तो ये हमारा टोटल ये 9 इंच का पॉकेट बन जाएगा।
मेरा ये पॉकेट हो गया है। अभी हम इसका लाइनिंग का पीस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में हमारा ऑलरेडी फिनिशिंग है। हम लोग नीचे हम लोग एक सिंगल फोल्ड दे देंगे, क्योंकि हमें वेलक्रो का काउंटिंग करना है। सो जस्ट एक फोल्ड दे देंगे नीचे से। ये फोल्ड होने के बाद हम ये देखेंगे कि ये पीस अगर हम लोग अटैच करेंगे तो हमें वेलक्रो कहाँ पे चाहिए। हमने यहाँ पे मार्क कर लिया जहाँ पे वेलक्रो हमारा एंड होगा नीचे से। ये 1 इंच का डिस्टेंस पे है, तो अभी हम लोग ये जो लाइनिंग है इससे एक इंच का डिस्टेंस मार्क करेंगे। सेंटर मार्क करके इसको वेलक्रो का बचा हुआ हिस्सा लगा देंगे। ये एक्स्ट्रा पीस है, इसमें मैं 1 इंच के ऊपर वेलक्रो लगा रही हूँ। ये वेलक्रो लगाने के बाद हमें ये पीस तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के हिस्से में हमको स्टिचिंग चाहिए। इसके लिए हम लोग ऐसे रख के, ये देखिए ऐसे एग्जैक्टली ये सेंटर में रखेंगे। इसका जो सेंटर मार्क किया है, इसका सेंटर ऐसे रख के इसके दोनों तरफ स्टिचिंग करेंगे। ऊपर का स्टिचिंग नहीं करेंगे, ना ही नीचे का स्टिचिंग करेंगे, जस्ट हम लोग दोनों साइड का स्टिचिंग कर लेंगे। इसको पहले हम लोग पिनअप कर लेंगे ताकि वो पीस हिले नहीं। बस ये दोनों साइड में हमको स्टिचिंग करना है। ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल था, एक्चुअली शेरवानी की जेब थी जो कि मैंने इस्तेमाल की है। इसमें अभी तक मैंने बाहर का कोई भी कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया है। ये हम जस्ट पलट देंगे, पूरे नीचे का पोर्शन जो है हम लोग स्टिच करके क्लोज कर देंगे जैसे। और यहाँ पे भी हम लोग साइड पे कॉर्नर स्टिच करेंगे, दाब सिलाई नहीं, कॉर्नर स्टिच कर देंगे। देखिए हमारा पॉकेट क्लोज हो गया। ये अभी हमारा मेन बैग को लगाते वक्त हम लोग ऊपर का लगा देंगे। इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं है। लगाने से पहले भी हम लोग एक बार चेक करेंगे ऐसे एग्जैक्ट लगा के। ऐसे लगा के ही मैं ऊपर का स्टिच करूंगी। जिप लगाया, इसके लिए इसका थोड़ा सा हाइट बढ़ गया। इसके लिए अभी मैं इसको अटैच करते ही, ताकि हमारा कोई भी प्रॉब्लम ना आए, अभी इसको ऊपर से मैं स्टिच कर दूंगी। ये एक्स्ट्रा जो भी पीस है हम कट कर देंगे। हमारा ये पॉकेट लगाने के बाद हम लोग अभी बैक साइड पे एक विंडो पॉकेट लगा देंगे। यहाँ पे ऊपर से अराउंड 2 इंच नीचे हम लोग विंडो पॉकेट लगा देंगे। उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसका क्लोजर जो है, मैं और एक अभी ये कपड़ा तो मेरे पास है नहीं, अभी ये दूसरा कुर्ते का है तो ये इस्तेमाल करने वाली हूँ। लेकिन उसका क्लोजर बनाने से पहले हम लोग इसके ऊपर एक स्लिप पॉकेट बना देंगे, छोटा सा अराउंड 8x8 का स्लिप पॉकेट बना देंगे, जिसका ऊपर हम लोग डबल फोल्ड करेंगे और साइड का
जस्ट सिंगल फोल्ड करके इसको अटैच करेंगे, और वो अटैच करने के बाद ये पीस जो है हम इसके ऊपर पूरा क्लोज कर देंगे ताकि आपको वॉल टू वॉल पॉकेट मिल सके। बैक साइड में हम लोग ने ऊपर से 2.5 इंच पर विंडो जिपर दिया है, देखिए, और इसको पूरा क्लोजर दिया है हमने। यहाँ पे अगर हम लोग खोलेंगे तो ये पूरा जितनी भी स्पेस है पर्स की उतने हमें यहाँ पे पॉकेट मिला है। और हम लोगों ने फ्रंट साइड पे ये पॉकेट बंद करने से पहले, ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो है पीछे क्लोज करने से पहले, ये इस मटेरियल के ऊपर मैंने ये स्लिप पॉकेट बना दिया है। देखिए ये 8x8 का मैंने पीस कट कर दिया, ऊपर मैंने डबल फोल्ड किया है और साइड में मैंने सिंगल फोल्ड करके तीनों तरफ स्टिचिंग किया है, ऊपर मैंने खुला छोड़ दिया है। ये पीस इसको अटैच करने से पहले हमें ये काम कर लेना चाहिए। हम लोग फ्रंट साइड के पीस को ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा बैक साइड पे हमने ऑलरेडी पॉकेट लगा दिया है। अगर हमने वो पॉकेट यहाँ पे अटैच किया, ये पॉकेट यहाँ अटैच कर दिया तो फ्रंट पॉकेट हमारा बंद हो जाएगा, इसके लिए हमने इस तरीके से अटैच किया है। अभी हमें हैंडल अटैच करना है। हैंडल हम लोग इसका सेंटर मार्क करेंगे और 2.5 इंच इस तरफ और 2.5 इंच इस तरफ रख के स्टिच करेंगे। हैंडल मैंने रेडीमेड लिया है क्योंकि मेरा ये मटेरियल ख़त्म हो चुका है, इसके लिए ये रेडीमेड हैंडल जो है, देखिए ये मजबूत भी होता है। इसको दोनों तरफ मैंने कैंडल पर जला लिया है और इसको इस तरह से यहाँ पे रख के बिना ट्विस्ट किए ऐसे रख के, बीच का डिस्टेंस जो है 5 इंच का होगा, 2.5 इस तरफ 2.5 इस तरफ, ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों पोर्शन को हैंडल लगा के हो गया। अब ये जितने साइज का ये टॉप पोर्शन है उसी साइज का मैंने, देखिए एक लाइनिंग है, एक मेन पीस है, ये भी उसी शेरवानी का ही हिस्सा है। ये देखिए दो पीस लिया है, ये 2.5 इंच का पीस का कट किया है और लंबाई में मैंने जितना इसका पोर्शन है उतना ही कट किया है। इससे दोनों तरफ से 1-1 इंच कम का नाप कर इसका जिप कट करेंगे, यानी कि जिप हमारा सिर्फ इतना ही होगा। देखिए इतने पोर्शन पे मैं जिप कट कर रही हूँ। दोनों तरफ से टैब लगाएंगे। टैब के लिए देखिए ये छोटे छोटे टुकड़े जो बचे हुए हैं वही लगा रही हूँ। देखिए ये इस तरह से रख के इधर स्टिच करके खोल के इसको मैं दाब सिलाई कर दूंगी, लेकिन ये डालने से पहले मैं रनर डाल दूंगी। ट्रैवल बैग वगैरह नहीं है इसके लिए मैं इसमें जस्ट सिंगल रनर डाल रही हूँ। इसको टैब लगा दूंगी पहले। ये टैब लगाने के बाद ये जो पोर्शन है हम लोग ये करेक्ट साइड के ऊपर ये हम लोग इसे उल्टा रख देंगे और इसके ऊपर ये पीस रख देंगे और इसको स्टिच करेंगे ऐसे, ये सैंडविच जैसे करेंगे और इसको स्टिच करेंगे पूरी तरह से, ये इस तरह से करके ऐसे रख के हम लोग इसको दाब सिलाई करेंगे। एक सिलाई हम लोग इस तरफ करेंगे और एक सिलाई हम लोग इस तरफ करेंगे ऐसे। यहाँ पे एक स्टिचिंग और यहाँ पे एक स्टिचिंग ताकि ये दोनों अटैच हो जाए। ये पोर्शन अटैच करने के बाद ये जो करेक्ट साइड है, ये करेक्ट साइड है वो हम लोग इसके ऊपर इस तरह रख देंगे और ये जो है नीचे की ओर, यानी कि बीच में जिप रहेगा और इसको भी हम लोग इस तरह स्टिच करके खोल के बाद में दाब सिलाई और एंड की सिलाई कर देंगे। जिपर पैनल पूरा हो गया है। अब ये जिपर पैनल हम लोग एक साइड जो है ये जिप का हम लोग डायरेक्शन देखेंगे और उसको मैच करते हुए इसको ऐसे करेक्ट साइड दोनों एक साइड में रहेंगे और इसको हम लोग यहाँ से देखिए यहाँ पे पूरा स्टिच कर देंगे और इस तरफ जो है ये पोर्शन जो है यहाँ पर इस तरह से पूरा 3 पीस जो है हम लोग सिंगल पीस में कन्वर्ट करेंगे।
जिपर पैनल बैक और फ्रंट को अटैच कर दिया। अभी हम लोग ये इसे रख के करेक्ट साइड रख के सबसे पहले हम लोग बॉटम जोड़ देंगे। बॉटम जोड़ने के बाद इस हिस्से को हम लोग स्ट्रेट ऐसे जोड़ेंगे और जिपर पैनल भी यहाँ एग्जैक्ट हम लोग फिक्स करके जिपर पैनल भी यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर ये साइड जोड़ेंगे। इस तरह से हम लोग ये कंप्लीट अंदर की ओर से जोड़ देंगे और इसको डबल स्टिच करेंगे। तीनों साइड से स्टिचिंग हो गया। हम लोग पलटने से पहले जस्ट ये कॉर्नर का जो ट्रायंगल है हम लोग ये थोड़ा सा कट कर देंगे। सीधा कर लिया। अभी ये जो जिपर पैनल जो है हम लोग इसको ऐसे नीचे की ओर दबाएंगे और इसको दाब सिलाई करेंगे। ऐसे रख के इसको एज पे हम लोग स्टिच करते जाएंगे राउंड में। इस तरह से ये जो है अंदर की ओर जाएगा। हमने चारों ओर से दाब सिलाई की है। देखिए हमारा ये अंदर से जिपर का पोर्शन, देखिए अंदर, और ये स्लिप पॉकेट है अंदर की ओर से। बाहर की ओर से ये वॉल टू वॉल विंडो पॉकेट है। यहाँ पे एक पॉकेट और यहाँ पे वेलक्रो के पीछे यहाँ पे भी काफी बड़ा पॉकेट है। ये वीडियो कैसे लगा आपको मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।